हेलो मतलब जरूरी है। इतना हमने कोड लिख लिया था, जी मैं रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों का हमने क्या बनाया था उस दिन। देख जा भाई ओपन हो जा, हमने यही कमाई किया था उस दिन। ये बन के रेडी है हमारे पास। देखो सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पे चेंज हो जाएगा यार, का नहीं चेंज होता, इंसान है, बम बना दिया, ये जावा क्या चीज है। इधर यहाँ पे कोई टाइटल नहीं आ रहा है ना, टाइटल आना चाहिए था, तो ये टाइटल को मैं सेट करता हूँ। टाइटल को सेट करने के लिए एक छोटा सा मैं काम करूंगा, उस काम का समझ तो आपको नहीं होगा, ये जैसे ही खत्म होगा ये वाला, फिर खत्म होने के बाद आप रिटर्न करोगे। रिटर्न करने के बाद मतलब लगभग 2 बजे, लगभग 2 बजे मेरे से पूछ लेना कि इसका मीनिंग क्या है, तो समझा दूंगा मैं मीनिंग। सुपर लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा लॉग इन फॉर्म, ऐसे लिख दूंगा लॉग इन फॉर्म, काम हमारा बन गया। अब टाइटल जो है फॉर्म का, जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा, लॉग इन फॉर्म आ गया ना। तो ऐसे आप लॉग इन सुपर के अंदर एक पैरेंट, सुपर के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, उसको कहीं भी ऐड कर सकते हैं सर, कि क्लास का नाम को लिख सकते हैं। भाई मैं बताऊंगा आप लोगों को, खत्म हो जाने दो, एक कंस्ट्रक्टर का खेल है, एक इसके पीछे खेल कुछ और चल रहा है, लेकिन आप लोग कुछ और समझ रहे हो। तो मैं ये बताऊंगा, सुपर मैंने मिस कर दिया था, उस समय मिस क्या किया था नहीं बताया था, दिस खाली बताया था उस समय पे आप लोग को। तो ये सुपर है, मैंने ऊपर वाला कहा है, इसको देख लेंगे हम लोग टाइटल। अभी तो इतना याद रखो कि टाइटल बदलने के लिए बस ऊपर में पास कर देंगे कंटेंट। मैं क्या चाह रहा हूँ देखो आप लोग, रीसेट बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो है ना, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाए, जैसे यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, तो रीसेट पे मैं क्लिक करूँ तो ये खाली हो जाए, और लॉग इन पे क्लिक करूँ मैं तो लॉग इन का काम हो, और रीसेट पे क्लिक करूँ तो रीसेट वाला काम हो। समझ रहे हो आप लोग, मतलब रीसेट पे क्लिक करूँ तो क्या करने पे हो, क्लिक करने पे, मतलब क्लिक इवेंट का हमें जरूरत है। क्लिक करना भी तो एक इवेंट ही है, नहीं एक घटना ही घट रहा है ना, हम क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, क्लिक करना मतलब इवेंट टकर हो रहा है ये। तो इवेंट कैसे अप्लाई किया जाए, तो देखिए हमें रीसेट बटन पे इवेंट अप्लाई करना है। तो देखो मैं नीचे यहीं पे, यहाँ पे नहीं करता हूँ, सबसे लास्ट में करता हूँ। रीसेट बटन पे करना है, देखो रीसेट बटन डॉट क्लिक इवेंट, जिस भी कंट्रोल पे हमें अप्लाई करना है उसमें हम मेथड कॉल करेंगे, क्या एड एक्शन लिसनर, ये मेथड कॉल करेंगे हम, क्या कॉल करेंगे एड एक्शन लिसनर। हमें बटन पे यदि क्लिक इवेंट को, क्लिक इवेंट बनाना है फंक्शनलिटी क्लिक इवेंट का, तो हम कॉल करेंगे एड एक्शन लिसनर मेथड। मैंने क्लिक कर दिया, अब ऊपर देखो क्या लिख रहा है, एक्शन लिसनर, क्या मांग रहा है ये एक्शन लिसनर, मतलब एक्शन लिसनर टाइप का जो है ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, मांग रहा है ना, समझ रहे हो। तो एक्शन लिसनर क्या है, एक्शन लिसनर जो है एक इंटरफेस है, लेकिन आप जानते हैं कि इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जानते हो आप लोग, तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं, तो ऑब्जेक्ट किसके पास करूं, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाले क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, समझ रहे हो, किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाला क्लास चाहिए, मतलब एक्शन लिसनर का इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। समझ में आ गया नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, मैं एक क्लास बनाऊंगा जो एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा और उसका ऑब्जेक्ट मैं पास करूंगा, थोड़ी देर में मैं करके दिखाता हूं आपको। एक तो तरीका वो है कि इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट पास करें, दूसरा तरीका ये है जावा 8 का फीचर, क्या है जावा 8 का फीचर, तो जावा 8 का एक नया फीचर है जो ये कहता है कि आप ऐसे पास कर दो, ऐसे, समझ रहे हो, देखो इधर ई लिखना है फिर माइनस का साइन,
फिर ग्रेटर देन, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन किए और क्लोज कर दिए। ये लेमडा एक्सप्रेशन कहलाता है, ये जावा 8 का फीचर है बस। अब इसके अंदर आप जो लिख दोगे ना, ये लो एस वाई एस ओ, इसके अंदर आप जो भी लिख देंगे वो चलेगा। ए सी एम लिख देता हूँ, ए सी एम नहीं यार, रीसेट लिखता हूँ यार। ठीक हो गया ना, अब देखना मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्राम, इसी को याद कर लेना, कर लेना याद, इसको भी याद करना, लेकिन ये इससे काम नहीं चलेगा खाली। ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉल कंसोल पे आ रहा है ना, रीसेट बटन आ रहा है कंसोल पे, क्लिक कर दो तो नहीं, रीसेट कैसे होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये देखो रीसेट यहाँ पे आ रहा है ना, तो इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे हो रहा है। मतलब ये कि एक्शन लिसनर के अंदर आप इस तरह का एक मेथड जैसा बनाओ और क्या करो, इसके अंदर जो भी आप लॉजिक लिखेंगे वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जो भी लिख दूंगा वो चलेगा। तो आप इसी यहीं पे जो है आप रीसेट बटन का लॉजिक लिखिए। तो रीसेट का लॉजिक क्या लिखा जाए, देखो एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, जैसे पासवर्ड, पासवर्ड क्या है हमारा टेक्स्टबॉक्स का नाम है ना, तो डॉट सेट, डॉट सेट टेक्स्ट एक मेथड है, किसका, टेक्स्टबॉक्स का। क्या मेथड है, सेट टेक्स्ट। अब इसमें मैं जो भी लिखूंगा वो कहां पे सेट हो जाएगा, टेक्स्टबॉक्स में वो दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है, ये देखो ये वाला लाइन लिखा हूं मैं, पासवर्ड जो था टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में मैंने चला दिया मेथड सेट टेक्स्ट और इसमें पास कर दिया टेक्स्ट। तो देखना अब इसका क्या होता है, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट आ गया ना, मैंने तो नहीं टाइप किया है तो यहाँ पे आ गया। बस हम यही करने वाले हैं, इसको अगर एम्प्टी कर देंगे तो रीसेट के बराबर नहीं दिख रहा है वो, दिख रहा है ना, बस यही काम हमें यहाँ करना है। सेट टेक्स्ट कर देंगे जीरो और यहाँ पे लिख देंगे, हो गया काम। अब यहाँ पे हम जीरो का, सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, मतलब रीसेट हो गया ना। अब देखो रन करता हूँ मैं प्रोग्राम, चलता है कि नहीं चलता है देखना। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे भी कुछ भी लिख दिया, अब मैं रीसेट बटन पे क्लिक करूं, गायब हो गया ना, तो बस रीसेट का काम बन गया, क्लिक कर दिया रीसेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ लिखते तो कुछ लिखा हुआ आता ना। हाँ कुछ लिखते तो लिखा हुआ आता, लेकिन हमको तो खाली चाहिए था ना, तो खाली चाहिए तो खाली कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यदि आपके पास कोड छोटा हो, क्या हो कोड छोटा हो, जैसे रीसेट बटन पे क्लिक करने पे छोटा सा ही कोड लिखना था मेरे को, तो यदि आपके पास कोड छोटा है तो आप इसी तरह का लेमडा एक्सप्रेशन बनाइए, जावास्क्रिप्ट में तो फैट एरो फंक्शन कहा जाता है, तो आप इसी तरह से एक्सप्रेशन बनाइए और तुरंत लॉजिक लिख दो। छोटा यदि कोड लिखाएगा क्लिक इवेंट पे तो, लेकिन लंबा चौड़ा यदि कोड लिखाएगा क्लिक इवेंट पे तब क्या करना चाहिए, तब हमें तो एक क्लास बनाना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग, जो मैं इंप्लीमेंटिंग क्लास कह रहा था ना उस टाइप का बनाना चाहिए। बना के दिखा दो, बना दे रहा हूं देख लेना आप लोग। यहां पे लिख दूंगा यूजर नेम डॉट एड एक्शन लिसनर। एक नया तरीका बता दूं आप लोगों को, ये देखो अपने आप कुछ कुछ बन गया ना यहाँ पे, ये देखो मैंने जैसे ही मारा कंट्रोल स्पेस इस तरह का बन गया ना, तो ये एनोनिमस तरीका है ये, लेकिन हम ये यूज नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो, मैं आप लोगों का नहीं लंबा चौड़ा ये इस तरह से कोड नहीं लिखेंगे। अब इसमें पास कर दो नल, नल पास कर दिया। अब मैं जो कह रहा था ना एक्शन लिसनर का इम्प्लीमेंट पता नहीं क्या क्या, वो बना रहा हूँ देखो, मैं करूंगा src में राइट क्लिक, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आऊंगा न्यू क्लास लूंगा, न्यू क्लास लिया, क्लास का क्या नाम डाल देंगे हम, नहीं लॉगिन फॉर्म लिसनर, लिसनर ऐसे लिख दिया मैं, क्लास पब्लिक रहेगा। पैकेज किस पैकेज के अंदर जाना चाहिए, मैं लिसनर नाम से फोल्डर बनाता हूँ,
बना दिया, अब स्पेलिंग सही हो गलत हो मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, समझ गया ना। अब कर देता हूं मैं फिनिश। क्लास वन के रेडी, अब आते हैं फिर से यहां पे, ये देखो एक्शन लिस्नर यहां लिखा रहा है ना, कंट्रोल स्पेस में दबाया हूं तो सजेशन आया, एक्शन लिस्नर लिखाया है तो अब मैं आऊंगा यहां पे और यहां पे लिखूंगा इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट ए सी टी आई ओ एन, एक्शन लिख के कंट्रोल स्पेस मारा तो ये देखो एक्शन लिस्नर आ रहा है ना, इंटरफेस आई लिखा है मतलब इंटरफेस, तो मैं इस पे क्लिक कर दिया, अब ये एरर देने लगा, इस पे जब मैं माउस ले गया थोड़ी देर तो ये बोल रहा है एड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड, मैं कह दिया एड तो आ गया, आ गया। अब देखो आप लोग, जब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा ना, लॉगिन बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तब यही जो है एक्शन परफॉर्म्ड मेथड जो है कॉल होगा, यहां पे लिखता हूं मैं लॉगिन, ठीक लॉगिन लिख दिया यहां पे। अब लो अभी मांग रहा है ना ऑब्जेक्ट, मैं यहां पे ऑब्जेक्ट दे दूंगा लॉगिन फॉर्म लिसनर, कहना आ रहा है जी, कोई बात नहीं मैं कॉपी पेस्ट मार लूंगा, मार दिया कॉपी पेस्ट, क्या बोल रहा है ऐसे, क्रिएट लिस्नर लॉगिन फॉर्म लिस्नर कांट रिजॉल्व दिस टाइप, क्या तकलीफ हो गई इस सज्जन को, लिस्नर ओवरराइट कर ही दिया मैं, एड एक्शन लिस्नर यहाँ पे इंप्लीमेंट्स कर दिया मैंने एक्शन लिस्नर कर तो दिया हूँ, समस्या इसको क्या आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, होना तो नहीं चाहिए था इसमें, प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जी, ये सबको बंद करो, तो मैं कहीं इधर वाले प्रोजेक्ट में तो नहीं काम करना था, पता चला काम इधर वाले में कर रहा हूँ, कॉल इस फॉर्म को ओपन करता हूँ, मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा था यार, तब ना नहीं काम कर रहा था, ये देखो हम लोग जिस पे काम कर रहे थे ये वाला है, इसको बंद करो, यहाँ पे बना है ना, ये देखो ये वाला है, हम जो काम कर रहे थे तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, बना दिया इस प्रोजेक्ट पे, तब ना नहीं काम कर रहा था, चलो मैं फटाफट कोड लिख देता हूँ, अभी यहाँ पे भी आइडिया कट गया, कॉपी पेस्ट मार दो ना, छोड़ो कोई बहुत बड़ी बात तो है, रीसेट बटन डॉट एड एक्शन लिस्नर, यहाँ पे ऐसे करेंगे ऐसे, यूजर नेम डॉट सेट, अरे जो ने लिखा रहा है लिखाने दो, उसको सुधारेंगे ना, पासवर्ड ये हो गया, ये लो लेस देन लगा दिए, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कौन सा लॉगिन वाला, लॉगिन बटन डॉट एड एक्शन लिस्नर, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा न्यू, नहीं नहीं लॉगिन फॉर्म वाला, ये देखो आ गया आप अपने आप, अभी देखो रिजॉल्व हो गया ना, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका डाल दिया इसका, अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा लॉगिन फॉर्म पे तो ये वाला मेथड अपने आप कॉल होगा, कर दूं, चलिए रन करता हूँ प्रोग्राम में और दिखाता हूँ आप लोगों करके, लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो ये लॉगिन प्रिंट हो रहा है ना, बस उसी का इफेक्ट है ये,
हो रहा है। अब लॉगिन करने का लॉजिक हम कहां पे लिखेंगे, यहां पे। कुछ पूछना है तो बताइए जी, अब आप लोग कुछ पूछना है यहीं पे छोड़ दूं या आगे बताऊं? चलो बाकी देखते हैं।